ममता दीदी कैसी लगती है? अच्छी है, हमारे लिए बहुत कुछ करती है वो। हाँ। लेकिन वोट यहाँ हम खड़े हैं तो उन्हीं की वजह से खड़े हैं, इनका सब कुछ उन्हीं का किया हुआ है। ममता दीदी हाँ, लेकिन वोट आप बीजेपी को देंगे? हाँ। भगवान मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? नहीं। चीज पे महंगाई है, सिलेंडर पेट्रोल महंगा, मतलब क्या चीज पे सस्ता है ये बताओ? सब्जी महंगी, कमाई वही है और महंगाई डबल है। रिफाइंड तक तो भैया इतना बढ़ गया, 130 रुपए की इतनी बढ़ गई, सब्जी भी नहीं आ रही है। तो आपने भी मोदी मोदी किया था क्या? हाँ पहले किया, नहीं हमने कभी नहीं किया था, हमने किया था। अच्छा, लेकिन अब तो थक गए। पर वोट मोदी पे है, जीता या वोट मोदी पे है, इस पर वोट मोदी पे है, जीता या वोट मोदी पे है। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। VLA 2 वेस्ट पंजाब न्यू दिल्ली मंडल इज इन इंडिया एंड मोदी फॉर सपोर्ट। एशिया भी तो बोलो, अर्थ भी तो बोलो, ईस्ट एशिया इन नरेंद्र मोदी इज ही इज लॉन्ग लाइफ इज लार्जेस्ट पार्टी मिल्की वे इन इंडिया। आर यू आल्सो ब्लाइंड इन फेथ? ब्लाइंड इज ही इज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, वेलकम बैक। एक चीज अगर मुझे समझ आ गई होती ना तो मैं एक सवाल तो पूछता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपके फेवरेट हीरो कौन है? एक्टर मोदी जी। अरे वो एक्टर थोड़ी है, सारे एक्टिंग करते हो। क्या बोल रहे हो? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। अच्छे दिन की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, तो क्या लगता है आपको अच्छे दिन आए? काम तो अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं मोदी जी, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ भी ध्यान दे, फोकस करें तो और अच्छा काम हो जाएगा। लोग अच्छे दिन आ जाएंगे, कोई बात नहीं, वेट करेंगे तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे। तो इंतजार कितना किया जाए? देखो एक बार और मौका देंगे मोदी जी को, कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे। वाह बेटा, लगता है तुम गु खा के ही मानोगे। जहाँ पे बैठ रहे हमारा 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 मोदी भगवान है, और अमित शाह भगवान है, और मोदी राम और अमित शाह कृष्ण, और देश में जन्म ले लिए। आदित्यनाथ क्या है? वो भी राम के अवतार है। राजा भोसड़ी शंख बजा के करी आरंभ। अरे मैया, तू तो देख लियो। अमेरिका का राष्ट्रपति का उम्मीदवार कहता है अमेरिका में कि आप हमको वोट दीजिए, जैसे इंडिया में नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं वैसे हम अमेरिका में काम करें। ये देश इसी लायक है कि आजीवन घोषित कर दिया जाए प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को। पक्षोती की कोई परिभाषा नहीं है। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो। म्यूजिक दिल्ली यूनिवर्सिटी या जैन यूनिवर्सिटी, इनमें क्या हो रहा है सर? यहाँ ये तो सेक्स का अड्डा है सर। सेक्स का अड्डा है, सेक्स का अड्डा है सर, ये हिंदू कल्चर के खिलाफ है ना। हाँ ये तो बेटा, काम कर, सरसों का तेल लगा के उल्टा लेट जा। साइक, दैट्स द रॉन्ग नंबर। आप इसको काट के देखो ना, यदि यहाँ भारत का नक्शा मिले जो मर्जी कहना, नहीं राम और सीता बने होने चाहिए सर। राम सीता नहीं, भारत का नक्शा, मेरे राम का नक्शा यहाँ पर है, देखिए। ऐसे कैसे? अरे चूता समझेगा? अभी आप काटो, मैं आपको क्या एफिडेविट लिख के देता हूँ, और नहीं क्या निकलेगा जो मर्जी कहना उठाकर बैठे। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 बार, 400 बार, 400 बार, 400 बार, नीम का पत्ता कड़वा।
ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश।